हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये हमारी पांच गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट रिसेंटली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किए गए थे। और इस वीडियो में मैक्सिमम वैकेंसीज जो मैं आपको बताऊंगा, ये हमारी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। इट मीन्स जो भी कैंडिडेट अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हुआ है वो इस वीडियो को कम्प्लीट और जरूर देखेगा। रीजन बींग, आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। साथ ही साथ जो भी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं वो लोग भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग भी अगर इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं तो आप लोग भी इन फॉर्म्स को जरूर फिलअप कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा जो भी कैंडिडेट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करता है वो मेक श्योर करें कि वो इन फॉर्म्स को जरूर फिलअप करें। तो मैं बताना चाहूंगा ये सारे एडवर्टाइजमेंट्स आपको डिटेल में बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ ग्रेजुएट हुआ है या फिर अभी लॉ स्टूडेंट है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग उसको टाइमली अपडेट मिलती रहे, जैसे कि आपकी कोई लीगल इंटर्नशिप की वैकेंसी है, चाहे कोई आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी है, या कोई बैंक की वैकेंसी है, या फिर हमारी कोई जुडिशरी की वैकेंसी है। इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग इंडिया में कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी, ताकि आप टाइमली ही इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब हम इन पांच गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो हमारी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग NFL के नाम से जरूर जानते होंगे। NFL जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें मैनेजमेंट ट्रेनी इन लॉ डिपार्टमेंट में कर रहा है। साथ ही साथ इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए 4 निकाली गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है कि अगर आपकी एज बिलो 27 इयर्स है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 1st of December 2023 रखी गई है। मेक श्योर करें अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप बिफोर 1st of December 2023 इस फॉर्म को फिलअप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप इसके एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है वो आपका नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझाया हुआ वीडियो है। आप चाहे तो उस पर क्लिक करके इसके एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग NCFL के नाम से भी जरूर जानते होंगे। NCFL जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें मैनेजमेंट ट्रेनी इन लीगल डिपार्टमेंट में कर रहा है। और इसमें हमारे लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है साथ ही साथ आप एक LLM ग्रेजुएट भी हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप एक अभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है यानी बस आपने मास्टर्स भी कंप्लीट करी हुई होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें साथ ही साथ बोला गया है कि अगर आपकी एज बिलो 27 इयर्स है तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी मंथली बेसिस पे वो आपकी 81,100 रुपीज होगी। साथ ही साथ आपको सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस प्रोवाइड करे जाएंगे, जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, आपको हाउस अकोमोडेशन मिलेगा। जितनी आपको एक गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है वो सारी फैसिलिटीज अपार्ट फ्रॉम 81,000 आपको मिलेंगी। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकेंड लिंक अवेलेबल है वो आपके राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग RCFL के नाम से जरूर जानते होंगे। इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्ड एनालिसिस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड लिंक पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी थर्ड अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसका लोगों को काफी टाइम से इंतजार था,
वो दिल्ली जुडिशियल सर्विस यानी कि दिल्ली जुडिशी ने फाइनली ये नोटिफिकेशन रिसेंटली पब्लिश कराए और इस फॉर्म की फिलअप करने की लास्ट डेट आपकी कल की ही है। इट मीन्स 22nd of November 2023 से पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें जो हमारे लिए नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली है दिल्ली जुडिशरी ने, वो हमारे लिए 53 निकाली गई है और इसमें जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो आपकी 32 रखी गई है। अगर आप बिलो 32 इयर्स हैं तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें जो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप इस पूरे डिटेल्ड एनालिसिस को इसके एडवर्टाइजमेंट के समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो थर्ड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिल्ली जुडिशियल सर्विस की एडवर्टाइजमेंट की सारी डिटेल्स वहां प्रोवाइडेड है, साथ ही साथ आपको इसके सिलेबस के रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम अपनी चौथी वैकेंसी के बारे में जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में निकाली गई है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल में। इसमें जो हमें डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें कंसल्टेंट की कर रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ 2 निकाली गई है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला गया है अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने इसमें मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यानी पहले के मैंने जो आपको 3 फॉर्म बताए वो हमारे फ्रेशर्स फिलअप कर सकते थे, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कंसल्टेंट की वैकेंसी के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिनके पास LLB की डिग्री प्लस प्रैक्टिस करते हुए एडवोकेट के तौर पे 3 साल कंप्लीट हो चुके हों। इसमें जो आपके लिए सैलरी यानी रेमुनरेशन जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा एज अ कंसल्टेंट वो आपको 80,000 से लेके 1 लाख मंथली प्रोवाइड करेगा। इसमें जो आपके लिए मैक्सिमम एज रखी गई है वो आपकी 35 ईयर्स रखी गई है, यानी अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। इसमें जो आपके फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 28th of November 2023 रखी गई है। बिफोर 28th of November आपको इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप इस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 4th लिंक अवेलेबल है आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम अपनी आखिरी और 5वीं वैकेंसी के बारे में जो कि हमारे चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में निकाली गई है। इसमें आपको लिए जो वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए प्रोफेसर की निकाली गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की निकाली गई है और एसोसिएट प्रोफेसर की निकाली गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है वो हमारी 18 निकाली गई है और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि आपके पास LLB प्लस LLM की डिग्री होनी चाहिए और आपने UGC का नेट या फिर आप GRF होल्डर होने चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 25th of November 2023। बिफोर 25th of November अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप इस 25 तारीख से पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही साथ इन्होंने जो रेम्यूनरेशन रखी है वो हमारे प्रोफेसर के लिए 1,44,000 रुपीज रखी है मंथली, प्लस सारे अलाउंसेस एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और जो हमारे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो सैलरी रखी गई है वो हमारी 1,31,000 रखी गई है प्लस सारे अलाउंसेस। और जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी रखी गई है वो हमारी 57,700 रुपीज रखी गई है। तो ये आपकी 5ों वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आप इन 5ों वैकेंसी के डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के डिटेल्ड एनालिसिस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5ों एडवर्टाइजमेंट के आपको लिंक अवेलेबल है, आप उनके डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।